दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर, मॉडल, कॉमेडियन और होस्ट मनीष पॉल के बारे में। मनीष पॉल को शायद आप जानते होंगे या आपने इन्हें कई अवार्ड शो या रियलिटी शो को होस्ट करते हुए देखा होगा। तो इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं, आखिर ये कैसे लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं और कैसे इन्होंने स्ट्रगल करके इस मुकाम को हासिल किया। क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको मनीष पॉल पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनीष का असली नाम मनीष पॉल है और प्रोफेशन से एक्टर, मॉडल, कॉमेडियन और होस्ट हैं। मनीष पॉल का जन्म 3 अगस्त 1981 को मालवीय नगर दिल्ली में हुआ और 2021 के हिसाब से ये 40 साल के हैं। मनीष ने स्कूल की पढ़ाई दिल्ली के एपीजे स्कूल से की, जिसके बाद इन्होंने कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लिया और इन्होंने बीए की डिग्री हासिल करी टूरिज्म में। अब बात करते हैं मनीष पॉल के करियर के बारे में। मनीष ने अपने करियर की शुरुआत एज अ होस्ट की। ये अपने स्कूल और कॉलेज में इवेंट को होस्ट करते थे, जिसके बाद ये मुंबई शिफ्ट हो गए और मुंबई में इनको पहला ब्रेक 2002 में मिला स्टार प्लस के शो संडे टैंगो को होस्ट करने का और साथ ही साथ रेडियो सिटी के मॉर्निंग टाइम शो कसाकाई मुंबई में आरजे के तौर पर काम किया। जिसके बाद मनीष ने स्टार वन के शो घोस्ट बना दोस्त में भूत का कैरेक्टर प्ले किया और फिर इसके बाद ऐसे ही कई सीरियल में काम किया, जिनमें से कुछ सीरियल के नाम है राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, व्हील घर घर में, छूना है आसमान और प्यार में ट्विस्ट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मनीष पॉल एक होस्ट भी हैं, तो इन्होंने अपने करियर में कई शो होस्ट किए हैं और उन शो के नाम हैं डांस इंडिया डांस, लिटिल मास्टर्स, सारेगामापा सिंगिंग सुपरस्टार, कॉमेडी सर्कस का जादू, डांस के सुपरस्टार्स और इंडियाज गॉट टैलेंट। दोस्तों वहीं मैं आपको बता दूं, मनीष ने झलक दिखला जा सीजन 5, 6, 7, 8, 9 को भी होस्ट किया है और साथ ही साथ नचवलिए 9 और इंडियन आइडल के भी होस्ट रह चुके हैं और फिलहाल मनीष पॉल इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 को होस्ट कर रहे हैं। बात करें इनके फिल्मी करियर की, तो दोस्तों मनीष ने 2009 में बॉलीवुड फिल्म मारुति मेरा दोस्त में छोटा सा रोल किया, जिसके बाद इनका 30 मार खान और ABCD में स्पेशल अपीयरेंस रहा और फिर 2013 में लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया फिल्म मिक्की वायरस से और इसके बाद रन बंका और तेरे बिन लादेन 2 फिल्म में काम किया। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा मनीष पॉल आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको मनीष पॉल की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है जगमोहन पॉल, जो कि एक अकाउंटेंट है और जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है मनीष पॉल की माँ और ये एक हाउसवाइफ है। और मैं आपको बता दूं, मनीष पॉल के एक भाई भी है जिनका नाम है विवेक पॉल और साथ ही साथ इनकी एक बहन भी है जिनका नाम है ज्योति पॉल मोहन। बात करें इनकी वाइफ के बारे में, तो दोस्तों इन्होंने अपनी स्कूल फ्रेंड संयुक्ता पॉल से शादी की, जो कि एक टीचर है, और इनका एक बेटा और एक बेटी है और इनके बेटे का नाम युवान है और इनकी बेटी का नाम शाइशा है। वहीं बात करें मनीष पॉल के हाउस के बारे में, तो दोस्तों मनीष पॉल मुंबई महाराष्ट्र में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जैसे कि इन सब पिक्चरों में आप इनका घर देख सकते हैं। वहीं बात करें इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके कार कलेक्शन में फर्स्ट कार है महिंद्रा के UV 100, जिसकी कीमत है 6 लाख रुपये और दूसरी कार इनके पास है मर्सिडीज GLS 350D, जिसकी कीमत है 88 लाख रुपये और तीसरी कार इनके पास है मर्सिडीज AMG SLS, जिसकी कीमत है 2,54,00,000 रुपये और लास्ट कार इनके पास है Audi Q5, जिसकी कीमत है 56,00,000 रुपये। बात करें मनीष पॉल के इनकम के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मनीष पॉल एक एपिसोड में काम करने के लिए लेते हैं 7,00,000 रुपये और ज़्यादातर इनकी इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है। और वहीं मैं आपको बता दूं, ये एक फिल्म में काम करने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं। चलिए बताते हैं आपको मनीष पॉल की नेटवर्थ कितनी है। तो दोस्तों इनकी नेटवर्थ है 30 करोड़ रुपए। तो ये थी मनीष पॉल की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक और हमें कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।